फिर एक बार नागपुर शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सेंट्रल जेल में बंद कैदियों तक गांजा पहुंचाने का प्रयास फिर से किया गया। दरअसल इस बार गांजा सीधे सेंट्रल जेल नहीं बल्कि आरोपी ने जेल में बंद अपने साथी को कोर्ट में पेशी के दौरान गांजा पहुंचाने की कोशिश की, पर पुलिसकर्मी की सतर्कता से वो पकड़ा भी गया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी बेजनबाग निवासी करण विनोद पाटिल उम्र 25 वर्ष बताया गया है। करण चर्चित अपराधी है, उसके खिलाफ हत्या और मारपीट के मामले दर्ज है। उसका दोस्त सागर एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। इन दोनों की मुलाकात सेंट्रल जेल में हुई थी, जहां साल 2019 में आरोपी करण हत्या की सजा काट रहा था। इसी के चलते वहां पर आरोपी सागर भी हत्या के मामले में अपनी सजा काट रहा था। इसी बीच दोनों की दोस्ती हुई और जेल से बाहर आने के बाद भी दोनों अक्सर मिला करते और इनकी दोस्ती गहरी हुआ करती। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सागर की न्यायालय में पेशी होनी थी। करण को इसकी जानकारी थी। करण गुब्बारे में करीबन 25 ग्राम गांजा भरकर सागर को गांजा पहुंचाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में दाखिल हुआ। काफी देर तक संदेशपद स्थिति में करण न्यायालय परिसर में घूमता रहा, पर सागर के आते ही उसकी गतिविधि बदल गई। इसी बीच न्यायालय में तैनात पुलिसकर्मी सुनील तिवारी ने सतर्कता बरतते हुए सहयोगियों के साथ आरोपी की संदेह के आधार पर तलाशी ली तो उसके पास 26 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी सूचना सदर पुलिस को दी गई। पूछताछ में आरोपी करण ने बताया कि वह सागर को गांजा पहुंचाने आया था। सदर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। काल दिनांक 13/6/23 रोजी न्याय मंदिर येथे मुख्यालयातून बंदोबस्त कामी असलेले ASI भुजंगराव सदाशिवराव थाटे वय 58 वर्ष नेमणूक पोलीस मुख्यालय हे मेन गेटवर कर्तव्यावर हजर असताना जाणारे येणारे लोकांना चेक करणे त्यांची ड्युटी होती। त्या दरम्यान एक 24 वर्षाचा तरुण मुलगा थोडा संशयास्पद हालचाली त्याच्या दिसून आल्या त्यांना, आणि त्यामुळे त्यांनी त्याला बाजूला घेऊन चौकशी केली। तर तेव्हा त्यांनी चौकशी दरम्यान सांगितले की त्याच्याजवळ गांजा असल्यामुळे तो पोलिसांना घाबरत होता। तेव्हा आम्हाला तात्काळ माहिती दिल्याने आम्ही सगळ्या स्टाफसह डी ऑफिसर्स आम्ही त्या घटनास्थळी पोहोचलो, न्याय मंदिर येथे मुख्य गेट येथे, आणि त्या आरोपीला बाजूला घेऊन NDPS कायद्यानुसार सर्व तरतुदी करून त्याच्याकडून 29 ग्राम गांजा जप्त केलेला आहे। आरोपीचं नाव आहे करण विनोद पाटील, वय 24 वर्षे, राहणार मुकुंदराव आंबेडकर नगर, बेजनबाग, जरीपटका। त्याच्याकडे 29 ग्राम गांजा एका प्लास्टिकच्या फुग्यामध्ये त्यांनी तो ठेवला होता। त्याला त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली की सदर गांजा तो कोणाला देण्याकरता आला होता किंवा कुठून आणला होता, तर त्याबद्दल तो उडवाउडीची उत्तरं देत होता। परंतु त्यांनी असं सांगितलं की तो मर्डरच्या कोण्यामध्ये जेलमध्ये असताना त्याची सागर गोवर्धन बोरघरे हा सुद्धा मर्डरच्या कोण्यामध्ये आरोपी आहे, तो सध्या कोराडी पोलीस स्टेशन येथून 110 CRPC मध्ये तो आतमध्ये आहे जेलमध्ये। त्याची तारीख होती कोर्टामध्ये, त्या तारखेला तो येणार होता आणि त्याला तो हा गांजा देण्याकरता आला होता असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। सदर आरोपीला आम्ही त्याच्याकडून गांजा जप्त करून त्याला अटक केलेली आहे। त्याच्याविरुद्ध कलम अपराध क्रमांक 292/23 कलम 8(क)(20)(ब) आणि 2(अ) NDPS कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याचा आज PCR घेऊन परत त्याने तो गांजा कुठून आणला होता नेमका आणि अजून त्यांनी गांजा त्याच्या घरी आहे किंवा कसं या बाबत आम्ही सखोल तपास करीत आहोत। PSI पुल्लेवाड या गुन्ह्याचा पुढील तपास करीत आहे। आपको बता दें कि बीते महीने ही नागपुर के सेंट्रल जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से मोबाइल, बैटरी और गांजा मिल चुका है। जेल प्रशासन ने दो कैदियों के खिलाफ धंधौली पुलिस से इसको लेकर शिकायत भी दर्ज की थी। अब फिर एक बार ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सेंट्रल जेल में बंद कैदियों तक गांजा पहुंचाने का प्रयास किया गया। लगातार सामने आते इन मामलों से शहर में बढ़ती गांजा तस्करी के साथ साथ सेंट्रल जेल की सुरक्षा और प्रशासन की कार्यप्रणाली भी लगातार सवालों के घेरे में घिरती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि लगातार बढ़ते इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सेंट्रल जेल प्रशासन कड़े बंदोबस्त करती है या फिर ऐसे और भी अन्य मामले भविष्य में उजागर होने वाले हैं। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।